टोटल हम लोग कितना लिखे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, पहला लिखे कि आप देख सकते हो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड टू डेवलप मशीन दिस शुड लर्न एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। ओके, इट इज अ मशीन बट लाइक्स ह्यूमन, मतलब हम लोग जैसा दिखता है, जैसे रोबोट वगैरह नहीं है उस तरह से। और दूसरा है व्हाट इज एन इंटेलिजेंट मशीन, कोई मशीन को हम लोग इंटेलिजेंट किसे बोलेंगे, फैन या ट्यूब को नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ पंखा हवा देता है, ट्यूब जो है लाइट देता है। लेकिन जैसे तुम्हारा टेम्परेचर के हिसाब से कोई फैन स्पीड अपना घटा बढ़ा ले तो उसको बोलेंगे इंटेलिजेंट फैन। लेकिन हम लोग का हम लोग का फैन जो है वो तो मौसम के हिसाब से चेंज नहीं होता है, तो उसको इंटेलिजेंट फैन नहीं बोलेंगे। उसके अलावा है डिस्क्राइब प्रेडिक्टिव सर्च। डिस्क्राइब प्रेडिक्टिव सर्च मतलब हुआ कि कोई भी सर्च हम लोग करते हैं तो उसको कैसे हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, सो प्रिडिक्शन जब भी हम लोग मोबाइल में कुछ टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखो कि वो सजेस्ट करने लगता है कि ये होगा ये होगा, तो उसी को हम प्रिडिक्शन ऑफ वर्ड्स वाइल टाइपिंग सर्च। तुम लोग मत बोलो, इधर सुनो सिर्फ। प्रिडिक्शन ऑफ वर्ड्स वाइल टाइपिंग सर्च स्ट्रिंग इन ए सर्च इंजिन इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव सर्च। तो ये हम लोग का कुछ एप्लीकेशन के बारे में, मतलब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एप्लीकेशन है उसका नाम लिखना है। गिव सम नेम्स ऑफ एआई। एआई का फुल फॉर्म मालूम है सबको? एआई का फुल फॉर्म बोलो। यस सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। तो उसका एप्लीकेशन मतलब उसका कोई एग्जांपल, सम नेम्स ऑफ एआई एप्लीकेशन। तो तुम लोग जैसे मोबाइल में जैसे कुछ बोलते हो ना वो काम हो जाता है, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एलेक्सा वगैरह जो तुम लोग का यूज होता है। तो इसके बारे में भी लिख लो। चलिए लिखिए, सम कॉमन एप्लीकेशंस, सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ AI ना, AI आर स्मार्ट सर्च सेंटिमेंटल एनालिसिस, बाद में लेंगे, फ्रॉड डिटेक्शन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन लोकेशन एंड डायरेक्शन, लोकेशन एंड डायरेक्शन सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वंस, एक्सप्लेनिंग ऑफ आर स्मार्ट सर्च, दैट मीन्स यू आर सर्चिंग द कॉन्टेक्ट इन द मोबाइल, यू कैन गेट द प्रोडक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन मीन्स वेन एवर ए फ्रॉड पर्सन विल कॉल यू, ऑटोमेटिकली द नेम ऑफ दैट पर्सन विल बी रिटन एज fraud. So this type of facility is there. Product recommendation, whenever you search any product on Flipkart, Snapdeal or anywhere, it will recommend you if this type of products are available. It will recommend you lower to higher price or as per quality. Location and direction, whenever you drive you can get the location easily. So this type of facility is called artificial
intelligence, sentiment analysis. Sentiment analysis whenever you will sigh, or whenever you will afraid, or whenever you will fear. So the face recognition system can recognize you and give you useful suggestions. Object detection. This thing is used by army or police, or a blind people or somewhere else. Whenever you go where somewhere, मतलब कहीं तुम जा रहे हो तो तुमको ऑब्जेक्ट आगे कोई सामान है, रुकावट है. ऑटो ड्राइविंग सब में ये सब यूज होता है. आजकल ऑटो कार आ गया, बिना ड्राइवर के कार चलाने वाला. तो ये सेंसर लगा होता है कि कहीं बाहर ऑब्जेक्ट है तो अपने आप वो रुक जाता है. एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग. लैंग्वेज प्रोसेसिंग तुम देखते हो कि इंग्लिश में लिखते हो और हिंदी में हो जाता है, या सिर्फ बोलते हो व्हाट्सएप में और वो लिखने लगता है. तो ये सब जो है लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पार्ट है. ठीक है, तो इसको ये चारों क्वेश्चन मतलब कि ये जो अभी हम बताएं आप लोगों को, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बाद में व्हाट इज द एन इंटेलिजेंस मशीन, डिस्क्राइब प्रोडक्टिव सर्च, गिव सम एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इन द नटशेल ये चार जो है सबसे इंपॉर्टेंट बिगर क्वेश्चंस हैं. इसके बाद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू होता है. इसको आपको ध्यान से याद कर लेना है और इसको हम लोग एग्ज़ाम में भी पूछेंगे. ठीक है, इसके बाद ड्राइंग भी बनाना शुरू कर दिया सभी बच्चे. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हमें ड्राइंग भी आप लोगों को बताए हैं कि कैसे. ऑटो ड्रॉ डॉट कॉम एक साइट है जिसके थ्रू हम लोग ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले इसके बारे में जान लेते हैं. ठीक है, कुछ अभी हम बताएंगे आपको जो डिवाइस तुम लोग देखते हो. ओके, तो इसके बारे में क्वेश्चन लिख देते हैं. एक्सप्लेन बायोमेट्रिक क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन बायोमेट्रिक. ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. एनएलपी, सेंटीमेंट, प्रिडिक्टिव. जो जो वर्ड्स हम लोग यूज किए हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास के दौरान, तो उसको हम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है. तो आंसर में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले बायोमेट्रिक के बारे में. बायोमेट्रिक्स में क्या सब होता है, जैसे तुम्हारा आँख का जो पुतली है, ये जो फेस है, ये जो थम्स है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है. तो आजकल बहुत तरह का हो गया है. हमारा पाम है, बोन का स्ट्रक्चर है, बहुत तरह से आजकल बायोमेट्रिक काम कर रहा है. इसके बारे में कुछ लिख लो. द प्रोसेस एंड एप्लीकेशंस of detecting fingerprints fingerprints जैसा बताया आपको, फेस वगैरह भी है. मतलब यही दो चीज नहीं है यार, यू कैन राइट ETC. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर. इसके बाद आपका है NLP. व्हाट इज दिस? तो NLP में हम लोग का है, NLP में है नेचुरल लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. लैंग्वेज के बारे में अभी बताए थे आप लोगों को,
कि कैसे ये प्रोसेस किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, तो इसके बारे में और डिटेल